लालकुए के सुभाष नगर चेक पोस्ट पर देर रात एक गुलदार जिसकी लगभग 3 से 4 वर्ष बताई जाती है सड़क के किनारे आ पहुंचा, जिससे वहां से जा रहे अज्ञात वाहनों की चपेट में आ जाने से संभावना वन विभाग द्वारा जताई जा रही है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लालकुआ उसके आसपास के जंगलों में इस बार गुलदार चीता हाथी और जंगली जानवरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। जंगली जानवर अक्सर भोजन पानी की तलाश में रोड की तरफ आ जाते हैं, कार की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। मृतक गुलदार मादा की खबर जैसे ही देर रात वन विभाग के अधिकारियों को मिली, वैसे ही वन विभाग ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर सुबह उसका पोस्टमार्टम किया। उत्तर भारतीय वन विभाग अधिकारी ध्रुव सिंह मतोरलिया ने बताया कि मृतक गुलदार 3 से 4 वर्ष की मादा थी। उसके शरीर पर लगी चोटों से प्रतीत होता है कि किसी वाहन से टकरा कर उसकी मृत्यु हुई है। लालकुआ से उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट, प्राइम टी न्यूज। जंगलों में और भी इस तरीके की मादा गुलदार के शेर हैं जिनको आप लोग बचा सकें? जंगल में इस प्रकार के हमारे बहुत आयत है, न केवल गुलदार की, टाइगर की और एलिफेंट हो गया, आपके हाथी हो गया, अन्य जो है जो भी जीव जंतु है वन्य जीव काफी बहुत आयत है जिनके लिए हम समय समय इसमें 2 वेटनरी डॉक्टर्स का पैनल जो है इसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में मौजूद रहता है और लगभग जो है 2-3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, इसके विसरा की, अन्य इसके ऑर्गन्स की या जो भी संभवतः कारण रहा हो उसकी मृत्यु का, तो 2 से 3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जाहिर हो जाती है। हाँ, कल रात ये बरेली रोड पे ये गुलदार जिसका 2 से 3 साल एज बता रहे हैं, अभी हमारे 2 डॉक्टर का पैनल यहाँ पर पोस्ट मार्टम में लगे हुए हैं। एक्चुअली हमारे डिवीजन में संपूर्ण तराई में काफ़ी वाइल्ड लाइफ की बढ़ोतरी हुई है कुछ सालों से, तो अक्सर ये वाहन वाले कभी रात में इस टाइप की दुर्घटना हमारे सामने हमारे यहाँ यही है कि इसकी एक्चुअल क्या एक्सीडेंट से ही मौत हुई है या कोई अन्य कारण, तो दोनों डॉक्टर ने इसको पोस्टमार्टम में पुष्टि की है कि इसकी बाकी से वाहन अज्ञात वाहन से सर और पेट पर जबरदस्त टक्कर लगने से चोट लगी जिससे इसकी मौत हुई। इसके बाद इसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा सबके सामने? ये पोस्टमार्टम हो गया, इसके बाद इसकी फर्द बन चुका है मौके पर और इसकी डिटेल और 2-3 जो पार्ट्स हैं इस बिस्तरा है इसका प्रिजर्व करके IVRI और यहाँ इसकी उसके लिए भेज देंगे और इसका 2 गेस्ट ऑफिसर के सामने इसका दाह संस्कार।